Good morning, dear students. Today I'm going to teach you your 7th lesson from Monsoon Reader Book, The Mouse. So we have already done our 6 lessons today. This is 7th lesson in Unit 7. The title of the lesson is The Mouse. The mouse means chuha. So this is the write and talk of this lesson. So in the lesson begins from here. Read. What would you do if you had to confront your greatest fear in public? What would you do? आप क्या करेंगे अगर आपको public के बीच में अपना डर है वो छुपाना पड़े, सबसे भयंकर जो आपको डर लगता है वो आपको confront करना पड़े. Theodoric Walter had been brought up by a fond mother who had always protected him from what she called the difficulties of a life. Theodoric Walter had been brought up by a fond mother. Fond mother means loving mother. Theodoric Walter ka palan poshan ek badi snehamayi, mamtamayi, ek vatsalyayi gun wali mata ke dwara kiya gaya tha. Unka palan poshan wo brought up kiye gaye the. Who had always protected him from what she called the difficulties of life. और उनकी माता ने उनको हमेशा जीवन की मुश्किलों से बचाया था, प्रोटेक्ट किया था, हमेशा से ही उनका लाड दुलार किया था. सो बाय द टाइम ही वॉज ग्रोन अप, और जब तक वो बड़े हुए उस समय तक थियोड्रिक थॉट, थियोड्रिक ने सोचा ऑफ द वर्ल्ड एज एन अनकम्फर्टेबल एंड डिफ़िकल्ट प्लेस, कि ये दुनिया उनके लिए बड़ी ही अनकम्फर्टेबल है, बड़ी बेचैनी कर देने वाली और बड़ी मुश्किल से भरी हुई जगह है. So in the opening lines of this lesson, we come to know that Theodoric Waller, who is the protagonist in this lesson, is born to a fond mother, is born to a loving mother, and she had brought him up in loving atmosphere, and she had cared about him a lot. And her mother always protected him from all the difficulties and obstacles of life, and he was kept always under complete patronage of her mother. And we are also given information that as Theodoric grew up, he faced the difficulties of life. He found that the world was a very difficult and uncomfortable place to live for him. To Theodoric, even a simple railway journey was filled with small worries and problems. Theodoric ko lagta tha ki yahan tak ki choti si bhi rail ki yatra, rail ke dwara koi choti si bhi agar rail ki yatra uske dwara ki jati hai, was filled with small worries and problems. Wo छोटी छोटी चिंताओं से और दिक्कतों से भरी हुई होती है, परिपूर्ण होती है. एंड एज ही सैट डाउन इन द सेकंड क्लास कंपार्टमेंट वन कोल्ड सितंबर मॉर्निंग, जैसे ही वो द्वितीय श्रेणी के रेलवे के डब्बे में एक ठंडी सितंबर की सुबह को बैठा, तो उसको लगा कि रेलवे की जो यात्रा है वो छोटी छोटी चिंताओं से और दिक्कतों से वो भरी हुई होती है. He was uncomfortable and troubled. वो बड़ा uncomfortable महसूस कर रहा था, बड़ा ही troubled वो महसूस कर रहा था, वहाँ पर बड़ी दिक्कत महसूस कर रहा था. He had been visiting friends at village houses, house. वो अपने दोस्तों को गाँव में बने घरों में वो यात्रा करता रहा था, अपने दोस्तों के पास जाता रहा था जो गाँव में रहते थे, गाँव में बने घरों में रहते थे. Which had been old and unclean. ऐसे घर जो पुराने थे बिल्कुल और साफ़ सुथरे नहीं थे, अनक्लीन थे. द पोनी कैरियज दैट वॉज टू टेक हिम टू द स्टेशन हैड ऑल्सो बीन इन ए बैड कंडीशन. और द पोनी कैरियज, जो छकड़ा गाड़ी थी जो घोड़ों के द्वारा खींची जाती है, कैरियज ए फोर व्हील्ड व्हीकल पुल्ड बाय हॉर्सेज, एक ऐसी छकड़ा, एक ऐसा वैगन जो घोड़ों के द्वारा खींचा जाया था. उसने देखा कि वो घोड़ा जो छकड़ा गाड़ी उसको स्टेशन पे लेने के लिए आया था वो भी अच्छी कंडीशन का नहीं था. वाज ऑल्सो इन बैड कंडीशन, वाज हैड बीन इन बैड कंडीशन. थोड़ी टू हिज एक्सट्रीम डिस्कम्फर्ट फाउंड हिमसेल्फ हेल्पिंग हिज होस्ट डॉटर टू हार्नेस द पोनी. और थोड्रिक ने देखा बहुत ही ज़्यादा संकट में था जब वो एक्सट्रीम डिस्कम्फर्ट में था,
तो उसने पाया कि उसके मेजबान की बेटी है, वो उसके घोड़े को चला रहने में उसकी मदद कर रही है। दिस मेंट दैट ही हैड टू एंटर द बैडली लिस्टेबल। इसका मतलब ये हुआ कि उसको बहुत ही बुरा, बैडली लिट, जिसमें बहुत बुरी रोशनी थी, ऐसे स्टेबल में उसको आना पड़ा, ऐसे घोड़ों के अस्तबल में उसको आना पड़ा। विच हैड बिन फुल ऑफ माइस, जो अस्तबल गंदा था और वो चूहों से भरा हुआ था। विच थोड्रिक हेटेड, जिनको थोड्रिक काफ़ी नफरत करता था, चूहों से वो नफरत करता था। थोड्रिक हैड बिन ग्लैड टू लीव, थोड्रिक सोच रहा था अगर उसको वहाँ से जाने का मौका मिल जाए तो उसे खुशी होगी, वो तुरंत वहाँ से निकल जाए। इन द सेकेंड पैराग्राफ ऑफ दिस लेसन वी कम टू नो दैट थोड्रिक डिड नॉट लाइक टू ट्रैवल बाई ट्रेन्स, एंड वंस अपॉन ए टाइम व्हेन ही गॉट द अपॉर्चुनिटी टू गो बाई ए ट्रेन, ही फेल्ट दैट ही वॉज फिल्ड विद स्मॉल प्रॉब्लम्स एंड वरीज एज वेल, एंड ही सेट इन द सेकेंड, ही बोर्डेड द सेकेंड क्लास कंपार्टमेंट ऑफ द ट्रेन 1 September मॉर्निंग, एंड ही फाउंड दिस जर्नी वेरी अनकम्फर्टेबल, वेरी ट्रबल्ड फॉर हिम। इट हैज़ बीन टोल्ड अबाउट हिम दैट ही हैड ऑलवेज बीन विजिटिंग हाउसेज ऑफ हिज फ्रेंड्स विच वर लोकेटेड इन द विलेज एरिया, एंड दे हाउसेज वर अनटीडी, दे वर ओल्ड, एंड ही गॉट द अपॉर्चुनिटी टू गो देयर। वंस ही डिसेंडेड ऑन द प्लेटफॉर्म ए कैरिएज विच वॉज इन बैड कंडीशन, विच वॉज वेरी बैड इन कंडीशन, केम टू टेक हिम फ्रॉम द स्टेशन, एंड थियोड्रिक बोर्डेड दैट, बट ही फाउंड द जर्नी थ्रू द कैरिएज वेरी डिसकम्फर्टेबल फॉर हिम, एंड ही फाउंड दैट इवन द हॉर्स डॉटर वॉज हेल्पिंग हिम टू ड्राइव द पोनी टू द विलेज। This meant that he had to enter the badly, and on reaching the village he had to enter a very badly lit stable, एक ऐसा stable which was not which didn't have any facility of light, okay, which had been full of mice and little insects and mice, it was full of mice. And Thordrick hated, obviously, mice. He did not like mice, but he had to live there. He felt that he would be glad if he got the opportunity, to leave as early as possible from there. So, as the train moved out of the station, जैसे ही train station के बाहर निकली, Thordrick ने कल्पना की that he smelled of mice, कि उसे चूहों की दुर्गंध उसके में सूंघने में मिल रही है, वहाँ पर चूहे हैं उस अस्तबल के अंदर। as the train moved out of the station, जैसे ही वो स्टेशन है से वापस फिर वो आ रहा था थियोड्रिक, और जैसे वो ट्रेन वहाँ से चल पड़ी, तो उसने थोड़ी देर बाद थियोड्रिक ने कल्पना की, उसने महसूस किया कि उसे चूहों की सुगंध आ रही है, एंड दैट देयर माइट हैव बीन ए स्ट्रॉ और टू ऑन हिज क्लोज, और उसने देखा कि उसके कपड़ों में एक दो तिनके भी हैं, तिनके वो तिनके जो चूहे हैं वो अपने लिए हॉल में वो रखते हैं जहाँ पे वो रहते हैं, ऐसे तिनके, घास के तिनके भी उसने अपने कपड़ों में ऑब्जर्व किए। लकीली द ओनली अदर पर्सन इन द कंपार्टमेंट वॉज ए लेडी अबाउट द सेम एज एज हिमसेल्फ, सेम टू बी स्लीपिंग, और उसने देखा कि वहाँ पे एक दूसरी औरत, एक दूसरा व्यक्ति जो कि एक औरत थी, दूसरा पर्सन भी उस कंपार्टमेंट में था जो कि एक औरत थी, और वो सो रही थी और लगभग उसी की उम्र की थी। अबाउट द सेम एज एज हिमसेल्फ, सेम टू बी स्लीपिंग, द ट्रेन वुड नॉट स्टॉप टिल द फाइनल स्टेशन वॉज रिच्ड, लेकिन ट्रेन वो जब तक नहीं रुकेगी जब तक वो अगले स्टेशन पर नहीं पहुंच जाती, इन अबाउट इन आवर टाइम, और लगभग इसमें उसको 1 घंटे का समय लगता। द ट्रेन कैरियज वाज ऑफ एन ओल्ड टाइप दैट हैड नो कॉरिडोर, अब ट्रेन है वो बिल्कुल पुराने प्रकार की थी जिसमें कोई कॉरिडोर नहीं था,
therefore no further passengers, और इसीलिए वहाँ पर कोई संभावना नहीं थी, there was no possibility that the passenger will board would go get into his compartment in the next on the next station would enter to trouble थ्योरी, जिससे थ्योरी की जो संकट बढ़े, तो उसको कोई उम्मीद नहीं थी ऐसी. As the train moved and after visiting the stable, after visiting the old house of his friend, he got ready to go back to his destination. As he boarded the train and the train started, it headed forward. Thordik felt that there were two or three stars in his pocket. Then he smelled something suspicious in his clothes. He smelled that there would be mice. And at the same time, he saw another lady of the same age as he was himself. He was in the compartment and traveling with him. And soon he found that there was something in his clothes. And he found also that there was no corridor in the compartment, and there was no hope that the passengers from next station would got into or would board the train to increase his trouble. But the train had barely reached its normal speed before Theodoric realized that he was not alone with the sleeping lady. But the train had barely reached its normal speed. जो train है अपनी normal speed वो उसने पकड़ ली थी जब स्पीड बिफोर थ्योरी रिलाइज, इससे पहले कि थ्योरी को रिलाइज होता कि वो अकेला नहीं है उस कंपार्टमेंट में, उस औरत के साथ वो अकेला नहीं है जो कि सो रही है, उस औरत के साथ वो अकेला नहीं है बल्कि कोई और भी है उसी कंपार्टमेंट में. ही वॉज नॉट इवन अलोन इन हिज ऑन क्लोथ्स, और उसने महसूस किया कि उसके कपड़ों में भी वो अकेला नहीं है, उसके कपड़ों में कोई और भी है उसके सिवा. ए वार्म क्रीपिंग फीलिंग ओवर हिज स्किन टोल्ड हिम दैट There was a mouse in his clothes. एक वॉर्म, एक बिल्कुल गर्म सी, एक क्रीपिंग जैसे रेंगने वाली कोई सरसराहट से की जो एक फीलिंग है उसे अपनी स्किन पर महसूस हुई, और उसने महसूस किया कि उसके कपड़ों में कोई चूहा है. It must have got into the clothes in the stable, और उसे अब पता लग गया कि ये अस्तबल में ही उसके कपड़ों में चढ़ा है, उसके कपड़ों में आया है. थ्योडोरिक वॉज हॉरिफाइड, थ्योडोरिक अब बिल्कुल डर गया. And tried to think of a way to get rid of it without waking the lady. रोज ने कुछ तरीके वो सोचने लगा कि किस तरीके से वो बिना इस लेडी के जाने, इस लेडी को पता लगे, वो इस चूहे से वो get rid of से मुक्त हो जाए, इसे छुटकारा पा ले. The only solution was to partly take off his clothes. और इसका एकमात्र solution क्या था कि वो अपने कपड़ों से अपने कपड़ों से छुटकारा पाले. बट ही टर्न्ड रेड एट द थॉट, लेकिन इसी बात को सोचने से उसका चेहरा लाल हो गया शर्म से या झिझक से. एंड येट द लेडी सीम्ड टू बी एस्लिप व्हाइल द माउस वॉज रोमिंग इनसाइड हिज क्लोथ्स, और फिर भी उसको लगा कि वो लेडी वहाँ पे सो रही थी और जो चूहा है उसके कपड़ों में इधर उधर दौड़ लगा रहा था वो, तो उसको. तो इन दिस पैराग्राफ we are told that the train now boarded on its journey, it got normal speed. And at that time Theodoric realized that there was something in his clothes, and that was no doubt a mouse which had he got from the stable. And now he thought of the various ways how he could get rid of the mouse. And the very thought that he had to put off his clothes, he had to throw his clothes away in order to get rid from the mice, made him very shy, made him very fearful. And because he was not all alone in that compartment, there was some another person, and which was a lady, and who was a lady. So how he could get rid of the mouse made him full of fear. So this was the problem. And now in the third paragraph, Theodoric could not stand it anymore. Theodoric इसको और ज़्यादा देर तक सहन नहीं कर सकता था. Could not stand means he cannot bear it anymore.
because he feared mouse. Okay, he feared mice. Nervously keeping a close watch on the lady, he quietly tied the ends of his blanket to the racks on either side of the carriage so that the train hung in the middle of the compartment. Nervously keeping a close watch, और बड़ी गंभीरता से, बड़ी नर्वस होके, बड़े परेशानी से में उसने क्लोज वॉच ऑन द लेडी, उसने उस औरत की ओर बड़े ध्यान से देखा, क्लोज वॉच उसने उसको देखा. ही क्वाइटली टाइड द एंड ऑफ द ब्लैंकेट टू द रैक्स ऑन आइदर साइड ऑफ द कैरिज. फिर उसने उस जो रेलवे बग्गी थी, वो कंपार्टमेंट था, वो कैरिज थी, उसके दोनों सिरों पर एक कंबल बांध दिया सो दैट ए कर्टेन हंग इन द मिडल ऑफ द कंपार्टमेंट. उसने ताकि एक पर्दा सा वो कंपार्टमेंट के बीच में रख दें और वहाँ पर वो अपने जो ड्रेस है वो चेंज कर सके, उससे चूहे को निकाल सके उससे. इन द नैरो ड्रेसिंग रूम दैट ही हैड दस मेड, उस ड्रेसिंग रूम में जो उसने तंग सा एक नैरो ड्रेसिंग रूम, जो एक तंग सा छोटा सा उसने ड्रेसिंग रूम बनाया था, उसमें से अपने आपको वो चूहे से आज़ाद कर सके. थोड्रिक हर्डली अनबटनड हिज क्लोथ्स एंड थ्रू देम एंड द माउस टू द फ्लोर. उसने जल्दी से अपने ही क्विकली अनबटनड हिम क्लोथ्स एंड देन ही थ्रो देम असाइड विद द माउस इन इट. और उसके कपड़ों में जो चूहा था उसके साथ उसने अपने शर्ट को वहाँ पे फेंक दिया. नाउ इन दिस पैराग्राफ ही वी आर टोल्ड दैट ही कुड नॉट बियर द प्रेजेंस ऑफ माउस इन हिज क्लोथ्स एनी मोर एंड सो ही अगेन स्टेड एट द लेडी. ही लुकड एट हर एंड मेड श्योर दैट हाउ ही शुड मेड श्योर दैट बिफोर द लेडी वॉक अप ही मस्ट थ्रू ही हैड टू थ्रू ही हैड टू थ्रो द माउस आउट ऑफ हिज क्लोथ्स एंड इन हिज अटैम्प्ट ऑफ एंड इन दिस अटैम्प्ट ही अनबटनड हिज शर्ट एंड थ्रू his shirt along with the mouse in it on the floor, okay, on the compartment floor. So as the mouse gave a wild leap, jaise hi wo chuha hai ek bilkul chhapak ke sath gira, the temporary curtain suddenly fell with a flop. wahan pe ek jo temporary sa jo usne curtain lagaya tha wo ekdam se flop ki awaaz ke sath niche gir gaya. and the lady opened her eyes, aur us aurat ne apni aankhein kholi. Theodric grabbed the blanket as fast as he could. Theodric ne us kambal ko pakda jitna ki wo jaldi se usko pakad sakti thi. pulled it chin high over the himself, aur usne apni thudi tak us kambal ko khinch liya, apni chehre ki thudi hai jo chink tak usko khinch liya. as he fell back into his seat, और तुरंत वो अपनी सीट पर जाके उछल के बैठ गया. ही वेटेड डम्पली फॉर द लेडी टू पुल द एमरजेंसी स्टॉप चेन. उसने इंतज़ार किया कि वो लेडी खड़ी होगी और एमरजेंसी चेन है जो ट्रेन को रोकने के लिए उसको वो खींचेगी. द लेडी हैवेवर ओनली स्टेड साइलेंटली एट द ब्लैंकेट कवर्ड मैन. लेकिन वो औरत है वो चुपचाप बिल्कुल उस आदमी को और थियोडोरिक की ओर देखती रही चुपचाप खामोशी से जो कि कंबल में ढका हुआ था. थियोडोरिक वरिड अबाउट व्हाट सी मस्ट थिंक. थियोडोरिक इस बात की चिंता में था कि वो उसके बारे में क्या सोच रही होगी. सैड रैदर वीकली, और उसने अपनी एक वीक सी आवाज़ में, बड़ी कमज़ोर से आवाज़ में, धीमी आवाज़ में उसने बोला, आई थिंक आई हैव कॉट ए चिल. मुझे लगता है मुझे सर्दी हो गई है. तो इस ऐसा उसने यहाँ पे एक्सपोज किया, उसने ऐसा प्रिटेंड किया. तो इन दिस पैराग्राफ वी आर टोल्ड दैट इन हिज अटेम्प्ट ऑफ एस्केपिंग द माउस, थियोडोरिक थ्रो अनबटन हिज शर्ट एंड थ्रो इट ऑन द फ्लोर एंड ही सडनली सॉ दैट द कर्टेन विच ही हैड अरेंज टू विच ही हैज अरेंज टू create a temporary to make a temporary dressing room to change his clothes to get in order to get rid from the mouse has now suddenly fell down with a sound and it surely woke the lady up and now he was filled with shy all about getting worried what the lady was thinking about him. ओ सी रिप्लाइड, अरे उसने जवाब दिया, आई वॉज जस्ट गोइंग टू आस्क यू वुड ओपन द विंडो. मैं तो आपको ये बोलने वाला था कि आप खिड़की खोल दें. मैं तो आपको ये बोलने वाली थी कि उस लेडीज ने कहा जैसे उसकी आंखें खुली, अरे मुझे तो ये था कि
कि आप खिड़की खोल देंगे, लेकिन आपने तो ये कंबल ढक लिया अपने ऊपर। आई थिंक इट्स मलेरिया, ही एडिड, हिज टीथ चैटरिंग पार्टली फ्रॉम फ्राइट। और उसने कहा कि नहीं, शायद मुझे मलेरिया हो गया है। ही एडिड, उसने कहा कि मुझे मलेरिया हो गया, हिज टीथ चैटरिंग, उसके दांत वो एक दूसरे से टकराने कटकटाने लगे, पार्टली फ्रॉम फ्राइट। और वो कुछ हद तक उसके डर से, डर या भय या शर्म के कारण से वो कटकटा रहे थे। आई हैव गॉट सम मेडिसिन इन माई बैग, सेड द लेडी। लेडी ने कहा कि मेरे बैग में दवाई है, अगर तुम चाहो तो ले सकते हो। नो आई मीन आई नेवर टेक एनीथिंग फॉर इट। नहीं, मेरे कहने का मतलब है मैं मलेरिया की कोई ऐसी दवाई नहीं लेता। ही सेड डेस्परेटली, उसने डेस्परेटली जो नर्वसनेस में ऐसा उसको लेडी को कहा। थोड्रिक फेल्ट दैट इवन मलेरिया वुड नॉट सेव हिम। थोड्रिक को अब महसूस हो गया कि मलेरिया का बहाना जो वो बना रहा है वो उसको बचाने में नहीं, काफ़ी नहीं होगा बचाने के लिए। वुड इट बी पॉसिबल, ही वॉन्टर टू टेल द लेडी द ट्रूथ। उसने सोचा कि क्या उसके लिए संभव है कि वो उस लेडी को अपने बारे में सच्चाई बता देगा। आर यू अफ्रेड ऑफ माइस, ही आस्क्ड। उसने पूछा कि क्या आपको चूहों से डर लगता है। नोट अनलेस दे आर इन द ह्यूज नंबर्स, वाई डू यू आस्क। नहीं, जब तक नहीं लगता, जब तक वो मुझे काफ़ी सारे नहीं दिखाई दे। अगर बहुत सारे चूहे हैं तो मुझे डर लगता है, बाकी एक दो चूहे से मैं नहीं डरती, ऐसा उस लेडी ने बोला। वाई डू यू आस्क, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो, उसने थोड़ी से पूछा लेडी ने कि ऐसा पूछ क्यों रहे हो आप, आई ऐसी इंक्वायरी क्यों कर रहे हो। आई हैड वन क्रैवलिंग इन साइड माई क्लोथ जस्ट नाउ, मेरे अभी कपड़ों में एक चूहा है वो चढ़ गया है कहीं से, सेड थोड्रिक इन एम्ब्रेस्ड वॉइस, और उसने शर्मा की आवाज़ में ऐसा कहा। इट वॉज वेरी अनकम्फर्टेबल, और इससे मुझे बड़ा ही परेशानी लग रही है। इट मस्ट हैव बीन, सी सेड कामली। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए, उसने बड़ी शांति से कहा कि अनकम्फर्टेबल तो लगेगा। आई हैड टू रिमूव इट, ही कंटिन्यूड। मुझे इसको निकालना पड़ा, इसको मुझे निकालना, हैड टू, मुझे इसको निकालना पड़ा। देन विद ए ग्लव ही एडिड, दैट्स वाई आई एम लाइक दिस, और इसी वजह से मैं ऐसा हूँ कि अपने आप को कंबल में लपेटे हुए हूँ। श्योरली रिमूविंग वन स्मॉल माउस वुडंट ब्रिंग ए चिल। हाँ बिल्कुल, एक छोटे चूहे को अपने कपड़ों से बाहर निकालने से ठंड थोड़ी लगेगी, सी सेड विद ए लाफ, और वैसा कहकर वो हंसने लगी, मुस्कुराने लगी। थोड्रिक वॉज नाउ श्योर दैट शी हैड सीन समथिंग एंड वॉज एंजॉइंग हिज एम्बेसमेंट। थोड्रिक को अब महसूस हुआ, उसको विश्वास हो चला था कि उसने कुछ ऐसी चीज़ देख ली है जिससे वो हंस रही है, और इस वजह से उसके जो शर्मीलेपन का, उसके एम्बेसमेंटपन का वो मजाक उड़ा रही है, उसकी मान जनक वो फील कर रहा है, ऐसा महसूस कर रहा है, उसका वो मजाक उड़ा रही है। ही शट इज आइज एज इज ईयर्स टर्नड रेड विद सेम। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे ही वो लाल हो गया था शर्म से, बिल्कुल, तो इसके साथ उसने अपनी आंखें बंद कर ली। एंड देन फियर टुक द प्लेस फॉर सेम, और अब उसका डर है वो शर्म में बदल गया। द ट्रेन वुड सून रीच द स्टेशन, अब उसको महसूस हुआ कि इसी गरी अब ट्रेन है वो स्टेशन पे पहुंच जाएगी। वेयर हंड्रेड्स ऑफ आइज वुड बी स्टेयरिंग एट हिम, जहाँ पे सैकड़ों आँखें उसकी तरफ जो देख रही होंगी। आई थिंक आई मस्ट बी गेटिंग नियर नाउ, द लेडी सेड आफ्टर ए वाइल। इसके बाद उस लेडी ने कहा कि मुझे लगता है कि हम बिल्कुल स्टेशन के हम नज़दीक पहुँच रहे हैं, थोड़ी देर बाद, आफ्टर ए वाइल, थोड़ी देर बाद उस लेडी ने थोड्रिक को कहा। तो यहाँ पर नाउ लेट अस डिस्कस इट वंस अगेन। तो एज सून एज वी नो दैट ही थोड्रिक अनबटन्ड हिज शर्ट एंड थ्रू इट ऑन द फ्लोर, एंड देन ही मेड ए प्रोविजन ऑफ ए टेम्पररी ड्रेसिंग रूम फॉर हिमसेल्फ। बट इन हिज हरीनेस, इन हिज अटेम्प्ट टू चेंज हिज क्लॉथ्स, द टेम्पररी ब्लैंकेट फेल डाउन विद ए साउंड मेकिंग, एंड दिस वोक अप द लेडी। देन द लेडी स्टेड एट हिम एंड ही टोल्ड द लेडी दैट ही वॉज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, एंड लिसनिंग दिस द लेडी ऑफर्ड हिम दैट सी हैड ए मेडिसिन इन हर बैग, एंड इफ ही if he liked he could take medicine, but Thoddrick replied that he had never taken medicine in his life, and so but realizing that this excuse could not save him from embarrassment,
Chodrik told him everything. He told him truth, and thus the lady, after knowing the truth, laughed. Then another thought came to Chodrik's mind. He thought that the train now soon would reach to the next station, and there he had to face hundreds of people staring at him, and he would feel more embarrassed, and the very thought made him more nervous. So from here, now Theodric had already noticed with growing terror the rows of small ugly houses that showed that they had reached the city. The words acted as अब थोड़ी क्या है, उसने पहले ही देख लिया था अपने विद ग्रोविंग टेरर, बढ़ते हुए भय के साथ, कि वहाँ पे जो शहर के अंदर वो ट्रेन जा रही है, वहाँ पे छोटे छोटे और भद्दे भद्दे छोटे छोटे घर हैं जो रेलवे ट्रैक के दोनों साइड उसको दिखाई दे रहे थे. दे हैड रीच्ड द स्टेशन, और उसको पता लग गया कि अब वो स्टेशन पे, शहर के स्टेशन पे वो पहुँचने ही वाले हैं. द वर्ड्स एक्टेड एज सिग्नल. सडनली ही थ्रू असाइड हिज ब्लैंकेट. द वर्ड्स वर्कड एज सिग्नल. उसको लगा कि ये शब्द हैं, ये साइट हैं. उसको पता लग गया कि जैसे वो वहाँ पहुँच गए. सडनली ही थ्रू असाइड हिज ब्लैंकेट एंड फ्रेंटिकली गॉट इनटू हिज क्रम्पल्ड क्लोथ्स. अब वो उसने क्या किया कि अपने कंबल को एक तरफ से फेंक दिया और पागलों की तरह फ्रेंटिकली गोट इन टू द क्रम्पल्ड क्लोथ, अपने जो कपड़े हैं वहाँ पे क्रम्पल्ड, जो वहाँ पे झुरियाँ पड़े हुए से कपड़े थे उसके, उनके ऊपर उसने उनको उठा लिया. ही वॉज अवेयर ऑफ स्मॉल लोकल स्टेशन रेसिंग पास द विंडो. उसको पता था कि वे छोटे छोटे जो स्टेशन हैं वो पीछे की तरफ हैं, विंडो से वो जा रहे हैं, विंडो से उसको पीछे जाते हुए दिखाई दे रहे थे. ऑफ ए चोकिंग फीलिंग इन हिज थ्रोट. और अपने गले में वो रुकावट सी महसूस कर रहा था. चोकिंग फीलिंग इन हिज थ्रोट एंड ऑफ द आइसी साइलेंस ऑफ द लेडी. और उस लेडी की वो बर्फीली सी खामोशी भी वो उसको महसूस हो रही थी, वो देख रहा था वहाँ पे. देन एज ही फाइनली सेट डाउन नाउ फुली क्लोथ्ड द ट्रेन सोड डाउन टू ट्रेवल एंड द वुमेन स्पोक. देन एज ही फाइनली सेट डाउन, और अंत जब वो बैठ गया, नाउ फुली क्लोथ, अब वो उसने कपड़े डाल लिए थे. द ट्रेन स्लो डाउन टू ए क्रैवल. अब वो ट्रेन है, अब वो बिल्कुल स्लो हो गई थी और धीरे धीरे क्रैवलिंग कर रही थी. मान लीजिए घिसट रही थी, वो पेट के बल चल रही, जैसे धीमे धीमे वो चल रही थी. एज द वोमैन स्पोक, उसी समय वो औरत बोल पड़ी. वुड यू गेट अ पोर्टर टू हेल्प मी. क्या आप मेरे लिए कोई पोर्टर, कोई कुली बुला दोगे जो मेरी मदद करे. शी आस्क्ड, उसने पूछा. आई डोंट वॉन्ट टू ट्रबल यू वेन यू आर फीलिंग अनवेल. मैं आपको संकट में नहीं डालना चाहती क्योंकि आप बिल्कुल पहले से ही नर्वस महसूस कर रहे हैं, आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे. यू आर फीलिंग अनवेल बट द रेलवे स्टेशन आर कन्फ्यूजिंग वेन यू आर ब्लाइंड. लेकिन क्या करूँ, जब मैं अंधी हूँ तो मेरे लिए जो रेलवे स्टेशन है वो बिल्कुल कन्फ्यूजिंग है. तो इससे पता लगता है दैट द लेडी वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड एंड सी हैड सीन नथिंग हैपनिंग विद थोडोक एंड ही वॉज यू नो वट ही वॉज डूइंग. तो आई थिंक दिस लेसन इज क्लियर टू यू नाउ एंड होप यू अंडरस्टूड इट कम्प्लीटली. इफ स्टिल यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस लेसन यू कैन राइट टू मी, यू कैन कॉल मी आइदर. आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू. टुमारो वी शैल डू talk and write of the present lesson, and I will discuss both of these online, okay, because tomorrow is Wednesday and we shall take our classes, we organize our classes online through Zoom app. So may Goda Saraswati bless you with great knowledge and you go on the highest path of great achievements in your life. Okay, thank you and have a nice day. Hope you will write the summary of this present lesson and then attempt its internal question answer. And as I already stated you, earlier stated you, that you will write the question with the help of pen and the answers you will write with the help of pencil. If still you commit any mistake while writing, while attempting your question, your answers,
There is always a possibility that you can get it, your writings corrected by me, okay? I'm always there to underline your mistakes and point out your mistakes to you, and then explaining how you have committed the mistake. I will get your mistake corrected, okay? So don't worry, just do it. Okay, thank you and have a nice day.